नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी स्पेशल जीके से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो यह टॉपिक है हमारा, वह है ऊर्जा संसाधन, यानी ऊर्जा संसाधन चैप्टर से जो है हम सब टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप यूपी के किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम सब डेली दोस्तों जो है दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके पढ़ते हैं, इसलिए आप डेली जो है दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके हमसे जुड़कर जरूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इसे बताइए। पहला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर बनाया गया है कि टोंस नदी पर बनाया गया है कि रिहंद पर कि कान्हार पर? तो देखिए, पहले का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओबरा जल विद्युत केंद्र जो बनाया गया है वह रिहंद नदी पर बनाया गया, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल को अभी नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, इसे बताइए आणविक संयंत्र अवस्थित है? बताइए आणविक संयंत्र कहाँ अवस्थित है? अलीगढ़ में कि आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में? तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बुलंदशहर में। तो आणविक संयंत्र जो अवस्थित है वह बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है? बताइए कहाँ की गई है? रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? हरदुआगंज में की गई है कि रोजा में की गई है कि प्रतापपुर में की गई है कि परीक्षा में की गई है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की जो स्थापना की गई है रोजा में की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? बताइए निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ओबरा की, पनकी की, हरदुआगंज की, नरोरा? तो देखिए, 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नरोरा में जो है एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए माता टीला बहुउद्देशी परियोजना किस नदी पर है? बताइए माता टीला बहुउद्देशी परियोजना किस नदी पर है? केन की, बेतवा की, चंबल की, यमुना? तो देखिए, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो देखिए, माता टीला बहुउद्देशी परियोजना जो स्थित है बेतवा नदी पर स्थित है, तो इसे आप याद रखिएगा। और देखिए, बेतवा जो है यह ललितपुर में है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? बताइए कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? अनपरा ए की, अनपरा सी की, ओबरा सी की, चंदौसी? तो देखिए, 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनपरा सी जो है यह एक तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अनपरा सी, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो का PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपका जितना प्रश्न सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? बताइए इनमें से कौन तापीय परियोजना नहीं है? रिहंद की, हरदुआगंज की, परीक्षा की, चंदौसी? तो देखिए, 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिहंद जो है यह एक तापीय परियोजना नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बताइए ऊर्जा के किस रूप में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में कि परमाणु में, पेट्रोल में कि सौर में? तो देखिए, ऊर्जा के जो है सौर इसका होगा ऑप्शन नंबर 8 का जो होगा डी सही होगा। देखिए, सौर ऊर्जा से जो है किसी भी प्रकार की प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र? बताइए प्रदेश के किस नहर पर जो है सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा नहर पर कि शारदा नहर पर कि यमुना नहर पर, लोअर गंगा नहर पर? तो देखिए, 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊपरी गंगा नहर पर जो है
सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र उत्पादित केंद्र है, उत्पादन केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। बताइए प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा है कि पेट्रोल है कि तापीय ऊर्जा है कि जल ऊर्जा है? देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रदेश में जो विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वह तापीय ऊर्जा का है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 12 बजे जो है सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश पढ़ाया जाता है, और डेली दोपहर 2 बजे जो है यूपी स्पेशल जीके पढ़ाया जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? बताइए प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? ऊंचाहार संयंत्र की टांडा संयंत्र की ओबरा संयंत्र की औरैया संयंत्र? तो देखिए 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओबरा संयंत्र जो है यह जो है तापीय संयंत्रों में नहीं है, यानी एनटीपीसी का नहीं है ओबरा संयंत्र, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि एनटीपीसी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एनटीपीसी का जो पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। बताइए शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? झांसी में कि ओबरा में कि पीलीभीत में कि ललितपुर में? देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शीतला जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वह झांसी में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इसे देखिए प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो बुलंदशहर में स्थित है कि प्रथम इकाई चालू, बताइए प्रथम इकाई कब से चालू है? परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र जो नरौरा बुलंदशहर में स्थित है 1989 में कि 1990 में कि 1991 में कि 1992 में? देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो 1991 में जो है इसकी प्रथम इकाई चालू हुई, इसे आप याद रखिएगा। यही दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? बताइए 1982 में 1983 में 1986 में 1987 में? तो देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रदेश में जो है वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की जो स्थापना की गई वह 1983 में की गई, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। बताइए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? मथुरा में कि सिंगरौली में कि नरोरा में कि अलीगढ़ में? देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है और नरोरा में स्थापित है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए प्रश्न अभी पीछे हम सब पढ़े हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, इसे देखते हैं ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बताइए ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत रूस के कि जापान के कि जर्मनी के कि अमेरिका के? देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो की गई है वह सोवियत रूस की सहायता से यानी सहयोग से की गई है। देखिए दोस्तों हम सब जितना प्रश्न यह सब पढ़ रहे हैं यह सभी यूपी के विभिन्न सरकारी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, कोई यूपी पीसीएस में, कोई यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में, कोई यूपी पीसीएस लोअर मेंस में, इसी तरह यानी तमाम यह परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, इसे बताइए माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माता टीला बांध जो स्थित है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि यह किस राज्य में यानी किस जिले में स्थित है, राज्य नहीं, यह तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, इसे बताइए निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? बताइए एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया की, आंवला की, दादरी की, टांडा? तो देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। टांडा जो संयंत्र है यह जो है एनटीपीसी संयंत्रों यानी एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित नहीं है जो टांडा में स्थित है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 से, इसे बताइए
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? बताइए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है, ललितपुर जिले में कि झांसी जिले में कि मिर्जापुर जिले में कि हमीरपुर जिले में? तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में उपलब्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, इसे बताइए राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, बताइए राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं, ललितपुर में कि झांसी में कि मिर्जापुर में कि चुर्क में? देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो देखिए राज्य में जो एस्बेस्टस पाए जाते हैं वह मिर्जापुर में पाए जाते हैं, तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।